कोविड-19 के अंतर्गत टीकाकरण का अभियान की शुरुआत की जाना है, इस हेतु चूँकि ये टीका प्रथम बार जनता को लगना है और अन्य लोगों को लगना है, तो उसके तहत जब हेल्थ केयर वर्कर्स को इसका टीकाकरण किया जाएगा उसके पहले ड्राई रन की प्रक्रिया की जाती है। जिस प्रकार टीकाकरण की पूरे ज़िले में व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और जो इसका प्लान बनाया गया है, उस प्लान के अंतर्गत पहले एक बार किसी भी कार्यक्रम को संचालित करने के पूर्व उसका एक एक्सरसाइज करना होता है, उसी के तहत ये ड्राई रन किया गया है ज़िले में। तो ज़िले की 3 संस्थाओं पर अभी इसका एक शुरुआत के तौर पर ड्राई रन किया गया है, जिसके तहत पहले एक्सरसाइज की जाती है कि टीका जब हमें प्राप्त होता है तो उस टीका प्राप्त होने के बाद हमको किस प्रकार से उसको कार्य में परिणित करना है। तो उसी के तहत सेम गाइडलाइन का पालन करते हुए आज जिले में ड्राई रन का आयोजन 3 संस्थाओं पर किया गया है, जिसमें जिला स्तर पर महिला बस्ती ग्रह पर इसका आयोजन किया गया है और जावद में सिविल अस्पताल में इसका किया गया है। इसी प्रकार से मनासा CHC के अंतर्गत वहाँ पर भी इसका आज आयोजन किया गया है। सर, ड्राइंग का डेमो होता है, डेमो की प्राथमिक तो थोड़ा लोग समझ जाता है। हाँ, डेमो इसलिए किया जाता है कि लोगों को अगर कहीं कोई खामियां प्रोग्राम में ऐसा लग रहा है कि किसी को कोई क्लैरिटी नहीं होती है या कहीं कोई समस्या हो तो उसका उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, किस प्रकार से हमको उसको एज पर गाइडलाइन किस प्रकार से हम कर रहे हैं, वो एक बार उनको ओरिएंटेशन हो जाता है। सर, जिले में जब ये कोरोना वैक्सीन लगेगा तो करीब पहले किनको लगेगा और कितने लोगों को लगेगा और किस तरीके से काम लगेगा पहले अभी चरण में? वैक्सीन प्राप्त नहीं हुआ है, जब वैक्सीन जैसे ही प्राप्त होता है तो उस स्थिति में फेज मैनर में इसको दिया जाएगा। तो प्रथम फेज में ये हेल्थ केयर वर्कर्स जो गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट संस्थाओं के लोग हैं उनका चिन्हांकन किया जा चुका है और 4,519 लोग हैं, उन लोगों को प्रथम चक्र में ये टीका लगाया जाएगा। इसमें शासकीय कर्मचारी को पहले लगाया जाएगा, जो शासकीय जो पुलिस है, जो हेल्थ है, जो शासकीय कर्मचारी है। ये चूंकि वो शासकीय और अशासकीय दोनों प्रकार के जो लोग हैं जिसको कोरोना योद्धा कहा गया है, तो इन लोगों को पहले चक्र में लिया गया है। वो प्राइवेट अस्पतालों के कर्मचारी भी हैं, वहाँ के डॉक्टर भी हैं और शासकीय चिकित्सालयों के अधिकारी कर्मचारी सभी हैं। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग का प्राइवेट एज वेल एज सरकारी सारा अमला कवर कर लिया गया है। इसके पश्चात अगले फेज में जो लोग फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जैसे कि रेवेन्यू विभाग हैं, पुलिस विभाग हैं, अन्य विभाग हैं शासन के, उनको लिया जाएगा। फिर इसके बाद जो 50 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं कोमॉर्बिड वाले, उनको उसमें कवर किया जाएगा। इस तरह से फेज मैनर में एक एक करके आम पब्लिक तक भी ये 100% लोगों को